फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ खाने पीने की कुछ ऐसी आदतों के बारे में, जिसको अगर आप इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो इससे आपके सारे शरीर के अंदर हड्डियों की कमजोरी, कैल्शियम की कमी, जोड़ों और मांसपेशियों में अगर आपको दर्द रहता है तो आप बहुत ही जल्दी इन समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में जानते हैं इन चीजों के बारे में, साथ में जानेंगे इनका इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, यानी बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, जोड़ों के अंदर दर्द होने का सबसे बड़ा कारण होता है आपके अंदर कैल्शियम की कमी होना। आपकी बॉडी में जितना भी कैल्शियम पाया जाता है उसका 99% हमारे दांतों और हड्डियों में पाया जाता है और 1% कैल्शियम हमारे ब्लड के अंदर घुला होता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा कमजोरी और थकान रहने लगती है। बहुत सारी महिलाओं और पुरुषों में देखा गया है कि उनके बाल झड़ने लगते हैं, दिल की धड़कन तेज होने लगती है। अगर आपको कोई भी चोट लग जाए तो कैल्शियम की कमी अगर आपके अंदर है तो इसके कारण कहीं भी नसों के अंदर ब्लॉकेज और खिंचाव आ जाएगा। तो ये सभी समस्याएं कैल्शियम की कमी के कारण होती है। दोस्तों, हमारी बॉडी में कैल्शियम अंदर बनता नहीं है, कैल्शियम हमें बाहर से डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। दोस्तों, कैल्शियम के फूड की बात करें तो सबसे पहली चीज आती है दूध। दूध एक ऐसा सोर्स माना जाता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, इसीलिए हम ज्यादा दूध पीने पर जोर देते हैं। लेकिन आज के समय में एक परेशानी ये भी है कि जो दूध हम लेते हैं उसमें केमिकल डाले गए होते हैं। बहुत सारी कंपनियां सप्लाई भी करती हैं कि इसके अंदर डबल टोन्ड लिखा होता है। दोस्तों, कुछ हानिकारक चीजें इसके अंदर डाल दी जाती हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता जो हम पैकेट वाला दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए सबसे पहली चीज आती है, वो है बादाम। बादाम के अंदर कैल्शियम तो भरपूर मात्रा में होता ही है, साथ ही साथ इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, फास्फोरस, सिलेनियम, बहुत सारे विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं। दोस्तों, मैग्नीशियम आपकी मांसपेशियों के दर्द को दूर करता है। जो बादाम के अंदर जिंक पाया जाता है वो हमारी हड्डियों के साथ साथ हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत फायदा करता है। और दोस्तों, इसके अंदर जो सिलेनियम पाया जाता है ये पुरुष और महिलाओं के अंदर स्पर्म काउंट को बढ़ाने का काम करता है। तो कैल्शियम के लिए और हड्डियों की अच्छी ग्रोथ के लिए, कैल्शियम की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए बादाम खाना बहुत जरूरी है और रोजाना खाना भी चाहिए। इससे आपको कैल्शियम तो मिल ही जाएगा, साथ ही आपको पूरी बॉडी के अंदर जान आ जाएगी। आपकी बॉडी के अंदर आपको आराम महसूस होगा, थकान नहीं होगी, आपकी मांसपेशियों के अंदर आराम मिलेगा, क्योंकि मैग्नीशियम आपकी मांसपेशियों के लिए काफी जरूरी है। जिंक आपके ब्रेन को आराम देता है। तो आपको रोजाना 10 से 15 बादाम रात को भिगो देने हैं और सुबह इनका सेवन करना है अच्छे से चबाकर। दूसरी चीज जो इस्तेमाल करनी है वो है दोस्तों अखरोट। दोस्तों, ये हड्डियों के अंदर होने वाली बहुत सारी बीमारियों को, सूजन को, हड्डियों के अंदर उम्र बढ़ने के साथ साथ जो खोखलापन आ जाता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो इन सभी समस्याओं को ये रोकता है। दोस्तों, अखरोट के अंदर फास्फोरस होता है, ये हमारी हड्डियों को गलने और सड़ने से बचाता है, ग्रीस और लुब्रिकेंट को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे आपको चलने फिरने में काफी आराम महसूस होता है। तो दोस्तों, आपको रोजाना 4 से 5 अखरोट रात को भिगो देने हैं और सुबह इसको सेवन करना है, इससे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगी। तीसरी चीज है दोस्तों तिल। तिल के अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, इसके अंदर देखा गया है कि करीबन 10 गुना ज्यादा कैल्शियम है दूध से। दोस्तों, तिल के सेवन से बहुत लाभ मिलता है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो दिल को स्वस्थ रखते हैं, जोड़ों को स्वस्थ रखते हैं, हड्डियों और जोड़ों में दर्द को दूर करते हैं। अगर जोड़ों के ऊपर हम तिल का तेल और अजवाइन का तेल मिक्स करके लगाते हैं तो इससे जोड़ों के दर्द, अगर तेज दर्द हो रहा है तो वो भी ठीक हो जाता है। अकेले तिल के तेल से आपको फायदा नहीं मिलेगा, इसके साथ आपको अजवाइन का तेल लेना ही होगा। दोस्तों, तिल के नुस्खे को सर्दियों में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इससे आपको हार्ट भी हेल्दी रहे, आपका ब्रेन फंक्शन भी इम्प्रूव हो, कैल्शियम की कमी तेजी से दूर हो जाए। दोस्तों, रोजाना आपको 1 चम्मच तिल को रात को भिगोना है और सुबह इसका सेवन करना है दूध के साथ। 100 ग्राम के करीब आप तिल को भून कर रख लें और रोजाना इनमें से 1 या आधा चम्मच रोजाना लेना शुरू कर दें, इससे आपकी हड्डियां हेल्दी बनी रहेंगी। दोस्तों, रोजाना इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, कोई नुकसान नहीं है। ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर करता है, यूरिक एसिड की समस्या अगर आपकी बॉडी में बढ़ रही है तो उसको भी बाहर कर देता है। ये आपकी हड्डियों की ग्रीस को बढ़ाने में मदद कर
करता है। तो अगर आप इस नुस्खे को एक साथ बनाना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी जान लीजिए। तो लगभग आपने 100 ग्राम बादाम ले लेनी है, लगभग आपने 100 ग्राम ही अखरोट लेनी है और लगभग आपने 50 ग्राम की मात्रा में तिल ले लेनी है। इनको आपने रोस्ट कर लेना है, अखरोट को भी रोस्ट कर लीजिए और तिल को भी रोस्ट कर लीजिए। जब ये भून जाए तो इनको हल्का सा ठंडा होने दें और इनका पाउडर तैयार कर लें। इस पाउडर को आपने रोजाना हर रोज सुबह लेना है आधा चम्मच दूध के साथ। दोस्तों इससे आपके शरीर में कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी, खून की कमी भी है वो भी दूर हो जाएगी। जोड़ों में दर्द रहता है या मांसपेशियों में दर्द हो रहा है तो आपको उस जगह पर तिल का तेल और अजवाइन के तेल से मालिश करनी, काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और कैल्शियम की कमी तो इससे दूर हो ही जाएगी। जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस की समस्या भी दूर हो जाएगी। लगातार आपने 2 महीने तक इसका इस्तेमाल जरूर करना है। धीरे धीरे बढ़ाकर आप इसकी मात्रा को 1 चम्मच कर दीजिए। दोस्तों ये जानकारी इन्फॉर्मेशन यही तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।